दोस्तों आज हम बात करने वाले नमक के पानी से नहाने के फायदों के बारे में। दोस्तों जीवन का नमक का बहुत महत्व है। कहते हैं कि नमक के बिना अच्छे से अच्छे खाने का स्वाद भी बिगड़ जाता है। वैसे दिलचस्प यह है कि नमक का केवल खाना ही नहीं बल्कि त्वचा और बालों को सेहतमंद बनाए रखने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक में कई ऐसे गुण होते हैं जिसका इस्तेमाल कर हम अपनी त्वचा को और निखार सकते हैं और इससे बाल भी चमकदार बनते हैं। इसके लिए आपको बस नहाने के पानी में हल्का नमक मिलाने की ज़रूरत है। दोस्तों आइए जान लेते हैं नमक के पानी से नहाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। गठिया रोगों के लिए फ़ायदेमंद। नमक के पानी से नहाने से गठिया रोगों के उपचार में फ़ायदा हो सकता है। अगर आप रूमेटाइड गठिया, सोरियाटिक गठिया, रीढ़ के जोड़ों में बेचैनी, सूजन और घुटने के पुराने दर्द से परेशान हैं तो आपको नमक के पानी से नहाना चाहिए। थकान से मिलती है राहत। दोस्तों अगर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव या थकान की अक्सर शिकायत रहती है, नमक वाले पानी से स्नान करें। इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। इससे जोड़ों में होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है। त्वचा में आती है चमक। दोस्तों नमक से डेड स्किन सेल्स को निकालने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए आप अगर पानी में नमक मिलाकर नहाते हैं तो तय है कि आपकी त्वचा पहले से ज़्यादा साफ नजर आएगी। इससे त्वचा में अलग दमक आ जाती है। खुजली से राहत। दोस्तों अगर आपको चमड़े से जुड़ी कोई समस्या है जैसे खुजली आदि तो भी आप नमक के पानी का इस्तेमाल नहाने में जरूर करें। इससे आपको राहत मिलेगी। नमक में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं और त्वचा के इन्फेक्शन खत्म होते हैं। चेहरे के दाग धब्बों से मिलती है राहत। दोस्तों पानी में नमक मिलाकर नहाने से चेहरे पर दाग या मुहासों के धब्बे को ख़त्म करने में भी मदद मिलती है और ये धीरे धीरे हल्के होते जाते हैं। बालों में आती है चमक। दोस्तों नमक ऑयली त्वचा या चिपके चिपके बालों वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। नमक वाले पानी से बाल धोने से इसमें चमक आती है और ये खिले खिले नज़र आते हैं। नमक वाला पानी ऑयली त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। दोस्तों इन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों अगर आपकी त्वचा पर दाने, एलर्जी या किसी तरह का गंभीर इन्फेक्शन है तो आपको नमक के पानी से नहाने से बचना चाहिए। खुले घाव होने पर भी आपको नमक के पानी से नहाने से बचना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको सोरायसिस या एटोपिक जिल्द की सूजन है तो आपको नमक के पानी से नहाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कैसे तैयार करें नमक का पानी? दोस्तों एक कप में आधा कप जैतून का तेल या बादाम का तेल का उपयोग करें। एक कप बारीक समुद्री नमक पानी में मिक्स करें। खुशबू के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरे में सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाएं, त्वचा पर मालिश करें और कुछ मिनटों तक रहने दें। इसके बाद सारी चीज़ों को पानी के टब में मिक्स करें। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।